हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मलाई मोदक, आटा मलाई मोदक, जो कि बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और गणपति पापा के तो ये फेवरेट है। तो आज गणेश चतुर्थी है, तो चलिए बनाते हैं इंस्टेंट आटा मलाई मोदक। तो चलिए, आटा मलाई मोदक बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई रख ली, उसमें डाल देंगे आधा कप देसी घी और घी को थोड़ा सा अच्छे से गरम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, घी हमारा अच्छे से गरम हो गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक कप गेहूं का आटा। इसको हमें 4 से 5 मिनट भूनना है लो मीडियम गैस करके, और साथ में ही डाल देंगे 2 टीस्पून सूजी। अब इन दोनों चीजों को 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। हम धीरे धीरे करके ही भूनेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद हमें इसी के अंदर ही ड्राई फ्रूट भूनने, तो हम इसको 4 से 5 मिनट लो मीडियम गैस करके ही भूनना है हमें, कि हमारी सूजी और आटा अच्छे से भून जाए। तो मैं भून लेती हूँ सूजी और आटे को। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है। अभी मैं साथ में डाल दूंगी ड्राई फ्रूट। तो मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून और बादाम, 2 टीस्पून डाल रही हूँ काजू। इनको मैंने कट कर लिया है। अब मैं इनके साथ भी इसको भून लूंगी कि हमारे काजू और बादाम अच्छे से भून जाए। 2 मिनट और भून लेते हैं इनके साथ ही, गोल्डन ब्राउन कलर का हमारा जो आटा और सूजी हो जाए और हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो भी भून जाए। तो मैं इसी के साथ ही भून लूंगी। तो फ्रेंड, 2 मिनट हो गए हैं, काजू बादाम भी अच्छे से भून चुके हैं और आटा भी हमारा भून गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े हल्के वाले ड्राई फ्रूट जो कि जल्दी सिक जाते हैं। तो मैंने ये ले लिए किशमिश 2 चम्मच, इसको भी मैंने कट कर लिया है, और मैंने ले लिए खरबूजे के बीज 1 चम्मच, वो भी डाल दिए मैंने, और 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं खसखस और 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर। अब इन सबको भी मैं 1 मिनट भून लूंगी बस, क्योंकि ये जल्दी से भून जाते हैं। और खसखस आपके पास हो तो डालिए, ये चीजें ऑप्शनल है। अगर जो भी ड्राई फ्रूट हो आपको वो डालिए जो आपको पसंद है, नहीं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट डालोगे तो इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना हो सके आप इसमें ड्राई फ्रूट ज्यादा से ज्यादा डालिए। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट में बना मोदक, तो मैंने इसीलिए बहुत ही अच्छे से ड्राई फ्रूट डाले बहुत सारे। मैं इसको 1 मिनट भून लेती हूँ। तो फ्रेंड, 1 मिनट हो चुका है, हमारे सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप मलाई। ये फ्रेश मलाई है, मैंने निकाल के फ्रिज में रख रखी थी। तो मैं 1 कप मलाई डाल रही हूँ। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप 1 कप दूध को अच्छे से पका लीजिए, पका के गाढ़ा करके उसको इसमें डाल दीजिए। इसका टेस्ट जो है हमारे मोदक का और ज्यादा बढ़ जाएगा मलाई की वजह से। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और अब हमें मलाई के साथ भूनना है। 2 से 3 मिनट भूनना है मुझे मलाई के साथ ही, एकदम बिना मावे के, एकदम मावे जैसा टेक्सचर आ जाएगा इसके अंदर और टेस्ट भी जबरदस्त हो जाएगा इसका। और गैस को आप लो मीडियम ही रखिए, हमें सारा काम लो मीडियम गैस पे ही करना है, हमें गैस को बिल्कुल हाई नहीं करना है। लो मीडियम गैस पे ही हम पूरा मोदक बना के रेडी करेंगे। तो फ्रेंड, 1.5 से 2 मिनट हो गया है मुझे इसको भूनते हुए मलाई के अंदर, और देखिए मलाई ने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं गैस कर दूंगी बंद और इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट चला लेती हूँ बिना गैस के ही, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। मैं इसको एक बर्तन में शिफ्ट कर, अब मैं हमारे मोदक के मिक्सचर को ठंडा कर लेती हूँ, पंखे के नीचे रख देती हूँ, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम शुगर पाउडर मिलाएंगे। तो फ्रेंड, हमारा मिक्स थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप शुगर पाउडर। शुगर आप अपने हिसाब से देख लेना, आप ज्यादा खाते हो या कम खाते हो उस हिसाब से आप डाल देना। मैं 1 कप डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से। शुगर नहीं डालना चाहते तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हो, गुड़ का जो चूरा मिलता है वो डाल सकते हो। अगर इसको और हेल्दी बनाना है तो आप डेट्स आते हैं, डेट्स अपने हिसाब से देख लेना, जितना भी आप मीठा खाते हो डेट्स को कट करके उनको पीस के आप इसमें डाल सकते हो, तो ये और हेल्दी मोदक बन जाएंगे। तो मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ पीस के, आपका जो मन करे वो डाल लेना। और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। अब हम ले लेंगे इस तरीके से मोल्ड, ये मेरे पास एल्युमिनियम मोल्ड है, आपके पास जो भी मोल्ड हो वो ले सकते हो, नहीं तो आप बिना मोल्ड के भी इसको बना सकते हो। तो इसमें लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा सा घी, घी लगा लिया मैंने। अब इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा दूंगी मोल्ड के अंदर ही, कि बाहर से देखने में बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आएगा एकदम। और थोड़ा सा मिक्स लेंगे इस तरीके से, हम इसका एक पेड़ा जैसे बनाएंगे और उसको इसमें अच्छे से दबा के भर देंगे। और इसको दबा देंगे हम अच्छे से, और फिर उंगली से दबा दबा के इसको अच्छे से भर देंगे हम। फिर से इसको दबा लेंगे कि
की साइडों से जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। अब हम इसको खोल लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मोदक निकला है। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा मोदक बनके रेडी हो गया है। तो मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ मोदक को। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारे गणपति बाबा के प्रिय मोदक। तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं, एकदम बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज है गणेश चतुर्थी, तो जाइए बनाइए इंस्टेंट मोदक, आटा मलाई मोदक, और जाके गणपति पापा को ये मोदक चढ़ाइए। तो होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं ऐसी ही नई नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।